अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उसका पेमेंट मोबाइल से खुद से करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप HDFC बैंक का ऐप यूज करके उसका जो है आप पेमेंट कर सकते हैं खुद से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू हो या मोबाइल में ऐप जो है आपका अवेलेबल हो और उसका लॉगिन डिटेल आपके पास हो। बिना लॉगिन डिटेल के जो है आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने HDFC के मोबाइल बैंकिंग से नहीं कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स मेरे पास है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पेमेंट करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे HDFC बैंक का ये ऐप देख रहे हैं हमारा, सिंपल सा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे चूंकि मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ, इसलिए हमें जो है यहाँ पे कहा जाएगा कि किस तरीके से आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं। चलिए मैं फिंगर से कर ले रहा हूँ क्योंकि इससे भी लॉगिन हो जाता है अगर आप सेटअप किए रहते हैं। तो मैंने फिंगर से इसको लॉगिन कर लिया है। यह मेरा ऐप है HDFC बैंक का। अब यह होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में मीनू का, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूंकि आपको कार्ड पेमेंट करना है इसलिए कार्ड का ऑप्शन चुनेंगे और इसके बाद जो है जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा वो सबका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पास 3 क्रेडिट कार्ड है तो उसका यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमें इस क्रेडिट कार्ड का अभी पेमेंट करना है, सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे बता दिया जाता है कि टोटल जो है 28,899 का बकाया है। तो यह टोटल बकाया होता है, एक तरीके से इतना जमा नहीं, हमारा जो बिल बना है उसका डिटेल नीचे होगा। देख सकते हैं नीचे आता हूँ तो मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो यह यहाँ पे दिया हुआ है कि 9,947 बकाया है। बाकी जो खर्चा है वो मैंने बिल जनरेट होने के बाद कराया तो उसका जमा करने की जरूरत नहीं होता है। मैं यहाँ पे यह वाला अमाउंट जो है पेमेंट करूंगा। उसके लिए पेमेंट करने के लिए जो है यहाँ पे का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। मिनिमम अमाउंट जो है हमें दिया गया है कि 500 जमा करना है। टोटल अमाउंट जो है हमें 9,947 जमा करना है। तो सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपका जो है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज भी इस तरीके से आ जाता है। अगर मैं आपको उसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना रुपया जो है पे किया गया है और मैसेज भी आ गया है। इस तरीके से जो है आप HDFC बैंक का ऐप यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।